हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड नॉलेज इन मेडिकल साइंस। तो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले मेडिसिन की जो कि ब्लड प्रेशर में यूज होती है, चाहे वो हाइपरटेंशन हो या हाइपोटेंशन हो। तो सबके बारे में बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर में कौन सी मेडिसिन यूज होती है, कौन से इंजेक्शन यूज होते हैं, और लो ब्लड प्रेशर में कौन से इंजेक्शन यूज होते हैं, कौन सी मेडिसिन यूज होती है। तो सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली हर ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अब चलते हैं हमारे फर्स्ट इंजेक्शन पर। तो गाइस, हमारे फर्स्ट इंजेक्शन की बात की जाए तो हमारा फर्स्ट इंजेक्शन आ जाता है इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन। तो गाइस, इसका यूज की बात की जाए तो पहले सल्ट की बात करते हैं, जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन सल्ट पाया जाता है, और ये टेबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन टेबलेट का ही ज़्यादा यूज किया जाता है। इसकी नाइट्रोग्लिसरीन की जो टेबलेट्स आती है उसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, और टेबलेट्स आती है जो कि हमें जीभ के नीचे रखकर खानी होती है, चूसनी होती है, सबलिंगुअल कहते हैं, तो वो टेबलेट होती है इसकी। तो गाइस, इसके यूज की बात की जाए तो इसका यूज किया जाता है हाइपर टेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, उसकी कंडीशन को सही करने के लिए हाइपरटेंशन का यूज किया जाता है, सॉरी नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किया जाता है। चेस्ट पेन यानी एंजिना में भी इसका यूज किया जाता है। जब हमें चेस्ट पेन होता है, मतलब छाती में दर्द होता है, तब नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट दी जाती है, जिससे कि जो दर्द होता है वो रिड्यूस हो सके, कम हो सके। और वैसे यहाँ पर देख सकते हो, इट हेल्प इन डिक्रीज ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में हेल्प करता है, जिससे कि जो हाइपरटेंशन है वो कंट्रोल हो जाए। तो गाइस, चलते हैं अब नेक्स्ट इंजेक्शन पर। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन आ जाता है इंजेक्शन इंजेक्शन हाइड्रोलाइजिन। तो गाइस, इसके शर्ट की बात की जाती है, इसमें हाइड्रोलाइजिन हाइड्रोक्लोराइड शर्ट पाया जाता है। तो गाइस, यह भी एक हाइपरटेंशन में यूज होने वाला इंजेक्शन है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तब इसका यूज किया जाता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर को अपनी वही नॉर्मल कंडीशन में लाया जा सके। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो, टू इंक्रीज ब्लड वर्कलोड ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, मतलब यह ब्लड वेसल्स और हार्ट के वर्कलोड को बढ़ा देता है, और मतलब ब्लड वेसल्स होते हैं उनको रिलैक्स कर देता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर को अपनी नॉर्मल कंडीशन में जाए, रिलैक्स हो सके, कम हो सके। तो गाइस, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंजेक्शन पर। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन आ जाता है इंजेक्शन निकार्डिया। तो गाइस, इसके साल्ट की बात की जाए तो इसमें साल्ट पाया जाता है, निफेडिपाइन एक्सटेंडेड रिलीज साल्ट पाया जाता है इसमें। तो गाइस, इसका यूज की बात की जाए तो इसका यूज भी हाइपरटेंशन में किया जाता है, वैसे इसकी ज़्यादातर टेबलेट का यूज़ किया जाता है इसकी भी, क्योंकि यह भी एक सबलिंगुअल है, तो इसका भी टेबलेट्स के यूज़ किया जाता है, इंजेक्शन का यूज बहुत ही कम किया जाता है इसमें। तो वैसे इसका यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन, जब हाई ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसको कम करने के लिए। और गाइस, इसका यूज हार्ट अटैक में भी किया जाता है, जब हमें हमारा हार्ट है वो काम करना बंद कर देता है, या हार्ट अटैक आता है हमें कोई भी, मतलब चेस्ट पेन होता है बहुत तेज, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। एंजिना यानी चेस्ट पेन में भी इसका यूज किया जाता है, और स्ट्रोक में भी इसका यूज किया जाता है, जब हमारी बॉडी के कोई पार्ट में ब्लड सप्लाई अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है, तब इसका यूज किया जाता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स होते हैं उसको रिलैक्स कर देता है, और जिससे ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से वहाँ पर एरिया में हो जाती है। तो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारी टेबलेट है या इंजेक्शन है, टेबलेट है जिसमें जिसका नाम है एमलोबास 5। तो गाइस, इसमें एमलोडिपाइन बेसिल जो साल्ट है वो पाया जाता है, जो एमलोबास नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस टेबलेट है। तो गाइस, इसका यूज भी हाइपरटेंशन में किया जाता है यानी हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है, और एंजिना में भी इसका यूज किया जाता है, वही चेस्ट पेन वगैरह में इसका यूज किया जाता है। इट प्रिवेंट हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, मतलब यह हार्ट अटैक और स्ट्रोक से प्रिवेंट करती है, यानी यह भी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देती है, जिससे कि ब्लड का फ्लो अच्छी प्रकार से हो जाए, स्ट्रोक वाली प्रॉब्लम ना हो और हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम भी ना हो। तो गाइस, चलते हैं अब नेक्स्ट इंजेक्शन पर। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन आ जाता है इंजेक्शन नोरेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसका साल्ट की बात की जाए तो स्ट्राइल नोरेड्रेनालिन कंसनट्रेट साल्ट पाया जाता है, जो नोरेड नाम से बहुत ज़्यादा फेमस इंजेक्शन है। तो गाइस, इसके यूज की बात की जाए तो इसका यूज किया जाता है हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो उसको हाई यानी अपनी नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर को अपने कंडीशन में आ जाए, और मतलब जो क्या न्यूट्रल हो सके, ना तो हाई ज़्यादा रहे और ना ही हाइपो रहे। तो इसका यूज हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा लो चला जाता है तब इसका यूज किया जाता है, और कार्डिक अरेस्ट यानी अचानक से जब हमारा हार्ट काम करना छोड़ देता है तब भी इसका यूज किया जाता है, जिससे कि मतलब दोबारा से हार्ट की फंक्शनिंग को ला सके, वापस रिकवर कर सके। तो गाइस, देख सकते हो यहाँ पर, इट हेल्प इन इंक्रीज ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो गाइस, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंजेक्शन पर। तो गाइस, हमारे नेक्स्ट इंजेक्शन आ जाता है इंजेक्शन लैसिक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस इंजेक्शन है, जिसमें फ्रूसिमाइड साल्ट पाया जाता है, जिसका यूज की बात की जाती है, इसका यूज किया जाता है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर
हाइपरकैलेमिया, यानी जब हमारी बॉडी में पोटेशियम के प्लस का मतलब अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब भी इसका यूज किया जाता है, जिससे कि, और ये मतलब डाययूरेटिक ड्रग है, तो मतलब ये यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है, यानी किडनी का जो फंक्शन होता है उसको इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे किडनी जल्दी जल्दी ब्लड को फिल्टर करती है, और जो ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है, जिससे कि हाइपरटेंशन हो रखा है तो वो फ्लूड का वॉल्यूम है वो उससे निकल जाता है, किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू, और हाइपरकैलेमिया यानी जब पोटेशियम भी ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है, जिससे कि जो किडनी होती है वो पोटेशियम को जल्दी ही यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देती है, बाहर कर देती है, और जो मतलब जिसमें कैल्शियम जो पोटेशियम की मात्रा है वो भी अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए और ब्लड प्रेशर भी अपना नॉर्मल हो जाए, तो इसके लिए लैसिक्स इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो गाइस अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंजेक्शन पर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन एक छोटा टैबलेट है जिसका नाम है रोजुवास्टेन। तो गाइस इसका साल्ट की बात की जाए तो इसमें रोजुवास्टेटिन साल्ट पाया जाता है, जो कि टेबलेट फॉर्म में आपको मिल जाता है। गाइस इसका यूज की बात की जाए तो इसका यूज किया जाता है रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, यानी हमारी बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल यानी फैटी पदार्थ होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल होता है जो ब्लड वेसल्स को नैरो वगैरह कर देता है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको रिड्यूस कम करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए और हमें ब्लड प्रेशर में जैसी समस्या ना हो। मतलब इसका यूज भी हाइपरटेंशन में किया जाता है, यानी जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी तो वो ब्लड वेसल्स को घेर लेता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और मतलब जो ब्लड होता है वो एक साथ ज़्यादा प्रेशर लगाता है उस पर वेसल्स पे, तो इसे हाइपरटेंशन कंडीशन हो जाती है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए ही इसका रोजुवास्टेन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, मतलब हार्ट डिजीज की कोई भी रिस्क को रिड्यूस करता है और नैरो द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स को नैरो होने से भी बचाता है। तो वैसे अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंजेक्शन पर। तो वैसे हमारे नेक्स्ट इंजेक्शन ही वही टेबलेट है जिसका नाम है ब्रिलेंटा, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है हाइपरटेंशन के अंदर। इसमें ट्रिकाग्रेलेटर जो साल्ट है वो पाया जाता है। तो गाइस इसके देखा है तो यूज की बात की जाए तो ये भी हाइपरटेंशन वही हाई ब्लड प्रेशर में यूज किया जाता है। ये एक ब्लड थिनर है यानी खून पतले करने वाली दवाई है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब मिल जाती है इस नाम से, विरिलेंटा नाम से। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये खून पतले मतलब ब्लड थिनर एक टेबलेट है, तो इसका यूज किया जाता है ब्लड वही हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उसके पेशेंट को। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर इट प्रिवेंट फ्रॉम हार्ट अटैक एंड ए न्यू क्लॉट फॉर्मेशन, यानी जब हमारी बॉडी में हार्ट अटैक वगैरह भी होता है तो उसको भी मतलब प्रिवेंट करता है उससे, और जब और क्लॉट मतलब नए क्लॉट फॉर्मेशन को नहीं होने देता, न्यू क्लॉट फॉर्मेशन को से भी प्रिवेंट करता है। तो गाइस अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो हमारी टेबलेट है वो है क्लोपी बास्ट मतलब 75, जिसमें 75 mg का इंजेक्शन टेबलेट आती है, जो कि एक एंटी प्लेटलेट्स है, मतलब जब हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे कि ब्लड गाढ़ा होने लगता है, मतलब विस्कोसिटी बढ़ जाती है ब्लड की, तो उसको कम करने के लिए ही जो क्लोपी बास्ट 75 टेबलेट है इसका यूज किया जाता है। तो वैसे इसमें साल्ट की बात की जाए तो देख सकते हो क्लोपिडोग्रल साल्ट इसमें पाया जाता है, तो ये जो कि एक एंटी प्लेटलेट्स है, जो कि ब्लड प्रेशर को वही हाइपरटेंशन में काम करती है। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, मतलब यह भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक वगैरह के जो मतलब रिस्क को रिड्यूस करती है, कम करती है। तो वैसे अब हमारे नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है डिलजेम, जिसका नाम है डिल्टियाजेम हाइड्रोक्लोराइड साल्ट है जिसमें पाया जाता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये एक CCB है, मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो हमारी बॉडी में जो ब्लड वगैरह में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर चलते हैं, तो चैनल चलते हैं तो उनको मतलब ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो सके और नॉर्मल कंडीशन में आ सके। तो देख सकते हो गाइस इसका यूज हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन में किया जाता है, एंजिना यानी चेस्ट पेन वगैरह में किया जाता है, और इरेगुलर हार्ट बीट यानी हार्ट जब हमारी हार्ट बीट ज़्यादा कम होने लगती है, इरेगुलर हो जाती है, तब भी इसका यूज किया जाता है। इट हेल्प इन रिलैक्स ब्लड वेसल्स, यानी ये हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर है नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, लो हो जाता है। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन है जो कि डोपामाइन, जो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस इंजेक्शन है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाने वाला है, जिसमें डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड साल्ट पाया जाता है, जो कि बहुत सारे ब्रांड नामों से भी आपको मिल जाता है। तो गाइस इसका यूज की बात की जाती है, इसका यूज किया जाता है हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर, जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो चला जाता है, यानी जब माने तो हम मतलब 60 से लो चला जाता है, 60 से लो चला जाता है, तब इसका यूज किया जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया जा सके और पेशेंट की डेथ होने से बचाया जा सके। तो इसका यूज
हाइपोटेंशन में किया जाता है, इसके साथ हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर वाले कंडीशन में भी किया जाता है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो जो ब्लड है प्रॉपर अपना हार्ट के पास मतलब पंप ही नहीं हो पाएगा, और हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन भी आ जाती है, तो इससे भी ये प्रिवेंट करता है। तो इस वीडियो में हमने ऐसे इंजेक्शन्स की बात की जो कि हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन वगैरह मतलब ब्लड प्रेशर संबंधी कोई भी बीमारी में यूज किए जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और हाँ अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस वीडियो से लेकर कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।